अधिकारकास उच्चारण सामूहिक रीत्या पहली बार हो रहा है। जो सगरा का पाठ करता है वो उसके मीठे फल चाखता ही चाखता है, ये कल्पना मिसेस धारीवाल की है। और मेरा भी अपना कर्तव्य बनता है। संघर्ष और उपसर्ग जीने से कोई महान नहीं होता है। संघर्ष और उपसर्गों के बीच रहकर भी जो आदर्श स्थापित करता है वो तीर्थंकर पारसनाथ हुआ करता है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले ऐसे परशुनाथ भगवान की हम स्तुति करते हैं और देखिए कि कितने सुंदर परिणाम होंगे। सामूहिक जाग होने के बाद ये जो ऊर्जा सबके लिए मिलेगी वो भी हम क्यों नहीं करेंगे। स्त्रोत का पाठ तो हम रोज करते हैं लेकिन प्रेरणा मिली है और इसका श्रेय किसी को दूंगा, शोभा ताई को, जिन्होंने इस तरह का आयोजन यहाँ कराया। और एक अध्यात्म प्रसंग से आप इन सबको जोड़ा, भामाशाह रसकलाल जी धारीवाल, उन्मुक्त हृदय से दान देना ये किसी किसी के भाग्य में होता है। और शोभाताई धारीवाल ने, जानवी जी ने सुंदर उपक्रम किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। मैं जब तक हूँ तब तक ये हर साल वसगर का जाप करूँगी। जय जिनेन्द्र। महामंगलकारी संकट विमोचक पार्श्वनाथ भगवान का वसगर स्तोत्र हमने 3 साल पूना में हजारों की उपस्थिति में किया था। इस साल 4th साल है तो वो कार्यक्रम हम ऑनलाइन करेंगे। 2004 से मैं ये जाप कर रही हूँ खुद, और उसका मेरे जीवन में क्या क्या अनुभव आया है ये मैं 8 तारीख को बोलूँगी, और हम 27 बार उसका जाप करेंगे। तो आपने ज़रूर इसमें जुड़ना है। याद रहे 8 तारीख शाम को 4 से 5 बजे तक, इसका जो लिंक होगा इसी वीडियो क्लिप में और अदर सोशल मीडिया से आपको ज़रूर मिलेगा। आपने ऑनलाइन जुड़ना है। धन्यवाद।